अस्सलाम वालेकुम, साइकोलॉजी 405। अच्छा जी, असाइनमेंट आई हुई थी और ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट मैं इसको नहीं बना पाया, क्योंकि असाइनमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग काम है और आप भी बहुत एफर्ट करते हैं, अगर मार्क्स अच्छे ना मिले तो दुख तो होता है। ठीक है, मैं काफ़ी दिनों से इसके ऊपर जो है वर्कआउट कर रहा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने कर लिया है। उम्मीद है कि आपको जो एफर्ट ये पसंद आएगी। ठीक है, साइकोलॉजी 405 पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, उन्होंने हमें कुछ जो है ना सिनेरियोज़ दिए हैं, हमने देखना है कि असेसमेंट टेक्निक कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो है ना साइकोलॉजिस्ट कौन सी असेसमेंट टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों की पर्सनैलिटी को पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे हमारे पास चार सिनेरियोज़ हैं। ठीक है, और हम उनको जो है वन बाय वन पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रही है और उसको फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। सही है। अच्छा जी, पहले नंबर पे आ जाते हैं। उन्होंने सिनेरियो दिया हुआ था ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जॉब इंटरव्यू के दौरान जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जो है आपके सामने कैंडिडेट बैठा होता है, उससे सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, वो उसको बोलते हैं कि अपने इंट्रोडक्शन करवाएं। ओके, और ये भी पूछते हैं कि अपना जो आप आइंदा 5 सालों में जो है अपने आप को किधर देखते हैं। अभी एक बंदा जो सोच नहीं बना के आया कि मैंने जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है, वो अपने आप को बताएगा कि मैं जो है फलां काम कर रहा हूँगा। अगर एक बंदा जो अपनी सोच इस तरह बना के आया है कि मैंने इधर से मैंने जॉब ले के जानी है, उसके अंदर इतना डेडिकेशन भी होगा, डिवोशन भी होगा। सही है, तो फिर जो है उसका जो है बॉडी लैंग्वेज कुछ और तरह का होगा। ठीक है, तो वाई आर यू इंटरेस्टिंग इन दिस पोजिशन। तो ये भी एक कुछ सवाल ऐसे होते हैं, वो जब सामने बंदा आपके बैठे जवाब दे रहा होता है, एज अ साइकोलॉजिस्ट आप उसको देख रहे होते हैं कि ये बंदा जो है कितना इसके अंदर कितनी की डिवोशन के साथ बोल रहे हैं, कितनी इसकी बॉडी जो है बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह की, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है या नेगेटिव है। ठीक है, वो ज़ुबान से तो बात कर रहे हैं मगर उसके हाथ पांव उसका साथ नहीं दे रहे। तो ये सारा जो है, ये व्हाट इज़ दिस मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, एक ही हमने बताना है। एक्सप्लेन हाउ दिस मेथड प्रोवाइड द सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क फॉर द कलेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट। देखें, जब इसका जो टेक्निक है वो है इंटरव्यू, मेरी बातें गौर से सुनिएगा, इनको अपने अल्फाज में बयान करिएगा, जो सामने लिखा हुआ है इसको कतन जो है आप ना लिखें। सही है, जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें उसने सवाल पूछे, बंदे ने जवाब दे दिए। ओके, जवाब दे दिए, किस तरीके से जवाब दिए, वो जो है अगर आप इंटरव्यू नहीं करेंगे, जस्ट पेपर पर लिख के जो है अगर फ़र्ज़ करें उसको दे देते हैं, ठीक है, आपको मिल जाते हैं पेपर पर लिखे हुए, तो शायद आप अच्छी तरह असेसमेंट ना कर सकें। इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पता चल जाता है जो बंदा बात कर रहा है, क्या वो उसको अहल है भी कि नहीं, क्या सिर्फ उसको लिखने पे अबूर है, या जो बात वो कर रहा है उसके अंदर जो उसके हाथ इशारे कर रहा है, अपने आँखों से जो है वो आगे सिग्नल्स पास कर रहा है, क्या उसके अंदर वर्थ है इतनी कि वो जो है इस पोजिशन के लिए अहल हो। ठीक है, वो बात कर रहा है कि मैं जो अपने आप को 5 साल बाद इस कंपनी का मैनेजर देख रहा हूँ, क्या उसने इतना उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था जब वो बात कर रहा था। ठीक है, उसने आँखों में आँखें डाल के बात की आपसे। ठीक है, क्या उसके हाथ पांव जो है और जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं वो उसकी बॉडी का साथ दे रहे थे, ठीक है, जब वो ये बात कर रहा था। तो ये तरीका के कार कौन से है आपको पता चल गया इंटरव्यू है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारा सिनेरियो कुछ ऐसे है, वो इंटरेस्टिंग है, शायद आप में से कुछ जो है इसको कर भी चुके हों अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस। तो कह रहे हैं कि जब आर्मी के जो कैडेट्स होते हैं, जब वो उनकी सिलेक्शन होती है, तो उनके जो मैस होते हैं जहाँ पर वो खाना खाते हैं, वहाँ पे कुछ यंग साइकोलॉजिस्ट उनके साथ जो है खाने में शरीक हो जाते हैं, या जो है वो जब वो ग्राउंड में अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं कैडेट्स, मतलब रिक्रूट्स, ठीक है, तो वो साथ उनके जो है ना एक्टिविटीज़ में शरीक हो जाते हैं जस्ट एज देयर ग्रुप मेंबर। और ग्रुप मेंबर से जो है वो जब आपकी ट्रेनिंग, जब आपकी सिलेक्शन हो रही होती, तो हर बंदा जो है बड़े अच्छे तरीके से बात कर मतलब खुल के बात कर लेता है। इंटरव्यू रूम में तो पता है आपने जो है बड़ी सोच समझ के जवाब देना है, मगर जब आप ग्रुप में एज अ ग्रुप मेंबर काम कर रहे होते हैं, तो फिर आप जो है जो आप रियल होते हैं वही अगले बंदे को शो करते हैं। ठीक है, अगर आप जो है आपके अंदर वो जो है अकेला रहने वाली सिफ्त है, तो आप उधर जो है ग्रुप में भी अलहदा होकर जो है काम करेंगे, अपनी सोच जो है अपनी बात मनवाएंगे। तो ये बात कर रहे हैं इधर कि जो है आर्मी के वो जो यंग साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उनका जब मतलब उनकी टीम मेंबर बन जाते हैं ये साथ में, इसका क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है, देखें जब हम इंटरव्यू रूम में होते हैं तो हम कुछ और तरह बिहेव करते हैं, जब हम नेचुरल सेटिंग में होते हैं तो हम कुछ और जो है बिहेव करते हैं। और कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो जो है उनके साथ मिल जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ में देखते हैं कि बंदे के अंदर एबिलिटीज़ हैं इतनी, क्या इसने जो बातें उधर लिखी थी अपने टेस्ट के अंदर, क्या ये वाकई इतना वर्दी है कि इसको इस पोजीशन में, इतनी मैनेजमेंट अच्छी पोजीशन में जो है ना इसको हम हायर कर लें।
ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसका मकसद ये है कि उसको नेचुरल सेटिंग में देखना। इंटरव्यू रूम में तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, ठीक है, क्या उसका बाकी अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ कैसा बिहेवियर है, ठीक है, वो तभी पता चलेगा जब वो उनका मेंबर बन के जो है उनकी असेसमेंट कर रहा होगा। उसको ना पता होगा, मगर हर ग्रुप के अंदर एक आध बंदा होगा जो कि साइकोलॉजिस्ट होगा। 10-10 का ग्रुप है तो 11वां बंदा जो है, मतलब 10 का ग्रुप है, 9 वो कैंडिडेट्स हो गए और 10वां जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑफिसर है, उनके साथ वो जो है डीलिंग कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं, उनके असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में, अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो मरीज़ होता है, पेशेंट होता है, उसकी जब डेली टू डेली काउंसलिंग होती है उसमें जो है क्या करते हैं जनाब के उनकी काउंसलिंग जो हो रही होती है तो उसके पास साइकोलॉजिस्ट के पास एक जो है वो होता है फ़र्ज़ करें चार्ट होता है, उसने कुछ क्वेश्चंस करने, जब वो अगला आपका पेशेंट जो है वो जब जवाब देगा तो उसने उनकी मार्किंग करनी है। जैसे हम नंबर देते हैं कि आप इस बंदे को कितने नंबर देते हैं, ठीक है, आप क्या ये बंदा इस पोजीशन के लिए अहल है, तो आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, आई एग्री, मेरा कोई इसके बारे में राय नहीं है, आई स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इसी तरह जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो डेली टू डेली उसकी रेटिंग करता है कि इसने आज इस सवालों के जवाब इस तरह दिए, क्या ये इम्प्रूव हो रही है इसकी हेल्थ के नहीं, ठीक है, मतलब उसकी सीरीज, जैसे इसके नाम से जाहिर है इस टेस्ट का मतलब है रेटिंग स्केल, ठीक है, स्केल के ऊपर आपके लिखे हुए हैं कि इसको जो है ना कितने नंबर पर रखना है, आज इसने कितना इम्प्रूव किया है, ओके, तो ये आपका हो गया रेटिंग स्केल। और जो है ये साइकोलॉजिस्ट ये भी इस्तेमाल करते हैं रेटिंग स्केल, स्केल इज यूज्ड टू ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर टू मेक अ जजमेंट अबाउट द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट हो सकता है, क्लाइंट हो सकता है, और ये थेरेपी और काउंसलिंग में इस्तेमाल करते हैं। और रेटिंग जो है वो डेली टू डेली उसने अपनी उसकी हेल्थ की जो है रिपोर्ट आगे देनी है कि जो है ना ये बंदा आज इसको मैंने 4th नंबर पे रखा है, ठीक है, 4th मतलब एग्री करता हूँ कि ये बंदा जो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, जब वो फुली इम्प्रूव्ड हो जाएगा तो आप कहेंगे स्ट्रांगली एग्री दैट दिस पर्सन इज़ एलिजिबल टू साइन ऑफ फ्रॉम दिस, या जो भी आप मतलब इसको जो है ना अब इधर से हम डिस्चार्ज कर देते हैं इस हॉस्पिटल में, इसको जो है ना अभी हम नहीं रखना चाहिए क्योंकि ही इज़ फिट, ओके, आई स्ट्रांगली एग्री दैट दिस पर्सन इज़ फिट, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो है सिनेरियो कुछ ऐसे है कि इन द साइकोलॉजिकल, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इन द साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट साइकोलॉजिस्ट presents the subjects of series ambiguous pictures and ask them to interpret what they see, then they present them some important incomplete sentences and then ask them to fill in the blanks, this is the ठीक है जी, ये मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा एक टेस्ट होता है, आप अगर फ़र्ज़ करें अगर आपने ISSP दिया था तो ये शायद आप वहाँ पर जो है ये एक्सपीरियंस कर चुके हो, ठीक है। इसमें ये होता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, ये मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होते हैं, यहाँ तो कुछ एम्बिगुअस पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स ऐसे होती हैं कि एक फ़र्ज़ करें वहाँ पे एक जो है बंदा है उसके सामने पिस्टल पड़ी हुई, मेरे पास शायद इधर पड़ी हो, लेट मी शो यू, अल्लाह करे मिल जाए, ISSP, वेट, अच्छा साथ में आपको बताता जाता हूँ कि उसमें ये क्या है कि एम्बिगुअस सी पिक्चर्स होती हैं, तो वो ऐसे करता है कि उन जब देखें वो फ़र्ज़ करें, मैं एग्जांपल दे रहा था, एक बंदा है उसके सामने पिस्टल पड़ा है, एक छोटी सी लड़की उसके पास खड़ी है, अगर एक बंदा जिसका क्रिमिनल टाइप का माइंड है तो वो क्या उसको कंसीव करेगा, वो कहेगा कि ये जो है ना बंदा इसको कत्ल करने के चक्करों में है, और जो ऐसी कोई नहीं सोच रखता है जिसकी पॉजिटिव अप्रोच है वो कहेगा नहीं जो है ना ये बच्ची जो है इसकी जो है वो बेटी है, इज़ अ पुलिस मैन, और जो है ये जो है अभी मतलब कि ड्यूटी पर जा रहा है, और बेटी ने इस फादर को अपने फादर को एज़ अ हीरो कंसिडर करती है, ओके ओके, हैज़ ए हीरो कंसीडर कर दी, और ये फ्यूचर में अपने पापा की तरह जो है बनना चाह रही हैं कि जो है मेरे अगर फादर इतने बहादुर हैं तो मैं भी बहादुर होंगी, ठीक है, तो मतलब हर बंदे की अपनी सोच होती है, तो यही वो देख रहे होते हैं कि एक सेकेंड ISSP लेट में, मेरी कोशिश है कि आपको मिल जाए, आपको दिखा दूँ मैं वो किस तरह की तस्वीरें होती हैं, वेट, अच्छा ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी, बाकी भी इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, रात के पिछले पहर, अभी रात के पिछले पहर आधा जुमला मैंने छोड़ दिया, आगे आपने जो है ना ख़ुद बनाना है, रात के पिछले पहर कुछ जो हैं वो कुछ तरह की आगे बात कंप्लीट करेंगे, कुछ तरह की बात कंप्लीट करेंगे, रात के पिछले पहर उसने नमाज़ पढ़ी, ये भी हो सकता है एक जुमला, ठीक है, ये इनकम्प्लीट टेस्ट है, ठीक है, मतलब मेरे पास इतने अच्छे थे, मैंने अगर शायद मैं अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, आपकी स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए मुझे
शुक्र करें, मुझे कुछ जो है ना तस्वीरें मिल गई। अच्छा जी, मैं आपको ये दिखाता हूँ, इस तरह की एम्बिगुअस होती है तस्वीर, मतलब इसमें कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा, जो किसी के दिमाग में उसने वैसे ही उसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, मैं इसको एक लड़का देख रहा हूँ जो है अपना कुछ सोच रहा है, कुछ जो है इसके देखें अपने हाथ इधर करके और कुछ ऐसे कर रहा है। ठीक है, ये भी एक तस्वीर है जिसके ऊपर ये फीमेल है और छोटा बच्चा हो सकता है या कोई बड़ा हो सकता है। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही इंटरप्रेट कर रहा हूँ, जो है कुछ आप में से इसको जो है ना एज अ माँ बेटा जो है कंसिडर करेंगी। ठीक है, करेंगे। ओके, इस तरह जो एम्बिगुअस सी तस्वीरें होती हैं, इसका मकसद ये होता है, ये वाले टेस्ट हो गए। ठीक है, इसमें देखेंगे द बेस्ट पार्ट ऑफ आई हैव अप्लाइड, इस तरह आधी आधे फिक्रे लिखे होते हैं, आधे आपने खुद जो है आधे खुद जो है वो करने होते हैं, इसको जो है मतलब खुद इसको फिल करना होता है। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ इज़ व्हेन आई एम विद माई पेरेंट्स, मेरे जहन में ये आ रहा है। आपने जो भी जो आपके दिमाग में होगा, जो टिप ऑफ द टंग होगा, वो आप जो है बयान कर देंगे। सही है, और ये भी आपको पता चल गया, मतलब जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये वाला जो है पर्सनालिटी टेस्ट, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, इसका मकसद भी ये होता है कि आपको जो है जो आपकी टिप ऑफ द टंग होती चीज़ें वो जो है आप बयान कर दें, और साइकोलॉजिस्ट आपकी देख लेगा किस जो है पानी में, कितने पानी में उनके काम के हैं भी के नहीं आप। ठीक है, अगर उनके काम के हुए तो वो आपको जो है हायर कर लेंगे, अदरवाइज़ जो है वो सॉरी कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ टेस्ट के नाम हैं, रॉरशैक इंक ब्लॉक टेस्ट और इंक ब्लॉक टेस्ट, और दूसरा है थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट, और ये कुछ एसटीपी इनके जो है, और आरएएसबी